तो दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग की जो सीरीज चल रही है आपका एएलपी का, तो इस वाले सीरीज में बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर चुका है। लगभग आपका 75% है जो कवर हो चुका है। अब जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो जो है, जो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, और कुछ आपका भी जो मतलब कमेंट आ रहा है उसको भी देखा जा रहा है। तो उसके अनुसार जो है, हम लोग आज जो आपको बताने वाले हैं वो आपका एसएमपीएस है। देखिए, एसएमपीएस का पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि ये क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है आपका? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो देखिए, ये जो पावर सप्लाई, इसका मेन काम क्या होता है? आपका जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो जो इसका मेन फंक्शन होता है, देखिए, इसका बेसिक जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन इसका क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो बेसिक ऑपरेशन होता है कि एसी सिग्नल या आपका डीसी सिग्नल, एसी या डीसी सिग्नल को ये आपको किस में कन्वर्ट करता है? ये आपका रेगुलेटेड रेगुलेटेड डीसी सिग्नल में, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो होता है अनरेगुलेटेड, ये होती है अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड एसी और डीसी, अनरेगुलेटेड एसी और डीसी सिग्नल होती है। इस अनरेगुलेटेड एसी और डीसी सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है किस में? आपका रेगुलेटेड डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एक कि ये क्या करता है कि आपको जो है प्योर फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है विथ मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज। इसमें जो होता है फ्लैक्चुएशन जो होती है वो जो नहीं होती है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज आपको ये प्रोवाइड करेगा, रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। तो जिसपे कि आपका कोई भी एप्लीकेशन जो होता है वर्क करता है, जैसे कि मान लेते हैं मदरबोर्ड पे जो आपका कंप्यूटर पे लगा रहता है, तो इसमें भी क्या होता है कि उसको, हम जानते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है एक फिक्स वोल्टेज पे काम करता है, तो उस फिक्स वोल्टेज के अनुसार क्या होता है कि एक उस पे एसएमपीएस लगा रहता है, जो कि आपका जितना भी आप एसी वोल्टेज दीजिएगा या आप डीसी वोल्टेज सप्लाई यदि दे रहे हैं, तो आप जो स्विच से एसी वोल्टेज सप्लाई लेते हैं तो उस एसएमपीएस की सर्किट जो बनाई जाती है उसमें अंदर क्या होता है वो यहाँ पे हम डायग्राम आपको बताए बनाए हुए हैं, क्योंकि ये डायग्राम जो है उसको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और इसी तरह से वो जो होता है एसएमपीएस का वर्क जो है फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका एसएमपीएस का आप लोग एप्लीकेशन हम आगे बताने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले आप लोग एसएमपीएस क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए। देखिए, बेसिक वर्क जो होता है इसका, अनरेगुलेटेड एसी डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में और सिग्नल में। और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन जो सिंपल ब्लॉक डायग्राम और जो है कि समझने लायक ब्लॉक डायग्राम आपको बता रहे हैं ताकि वर्किंग प्रोसेस आप समझ सकें सही से। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसके पहले जो है एक लीनियर पावर सप्लाई भी आया हुआ था। इसके पहले जो था आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो देखिए इसके पहले क्या था कि जो एसएमपीएस था, स्विच मोड पावर सप्लाई से पहले एक जो आया था आपका वो था लीनियर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई। तो देखिए, लीनियर पावर सप्लाई में कुछ खामियां था जिसकी वजह से हमको जो है स्विचिंग मोड ऑपरेशन, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस लाना पड़ा। ये भी जो था आपको एसी डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करके देता था, आपका डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करता था आउटपुट में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि देखिए, इसमें जो आपका कंट्रोलिंग ऑपरेशन जो होती है, जैसे कि आपका यहाँ पे भी कंट्रोलिंग ऑपरेशन होती है आपकी, वो होती है आपकी ट्रांजिस्टर के थ्रू। वो किसके थ्रू होती है? ट्रांजिस्टर के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा था, जो वर्किंग था यहाँ पे ट्रांजिस्टर, वो कर रहा था आपका एक्टिव रीजन में। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर आपका वर्क कर रहा था वो आप कर रहा था एक्टिव रीजन में। और इस एक्टिव रीजन की वजह से क्या हो रहा था कि जो इसकी इफिशियंसी है वो जो है मतलब कि उतना नहीं हो पा रही थी, और इसका जो स्थान स्पेस जो भी कवर करता था वो भी ज्यादा था,
और वेट भी ज्यादा था, एक्टिव रीजन में काम करने से ज्यादा इफिशियंट नहीं हो पा रहा था। और इसकी जो साइज भी थी वो की थी आपकी, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, साइज भी ज्यादा था और स्पेस भी ये क्या करता था ज्यादा कवर करता था, और इफिशियंसी भी जो इसकी क्या थी आपकी, इफिशियंसी इफिशियंसी भी इसकी लो थी। तो देखिए लीनियर पावर सप्लाई का हम कंपैरिजन यहाँ पे बता दिए क्यों हम लोग यहाँ पे मूव किए SMPS पे। तो जो आपका इसके पहले जो स्विचिंग था आपका लीनियर पावर सप्लाई वाला, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कंट्रोलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये बेसिकली आपका कंट्रोलिंग स्विच है, और ये कंट्रोलिंग स्विच जो था वहाँ पे लीनियर रीजन में काम कर रहा था। लीनियर रीजन में काम करने से क्या था, तो ज़्यादा इफिशियंट नहीं हो पा रहा था, ठीक, क्योंकि लीनियर रीजन में एक कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करना बहुत, मतलब कि ट्रांजिस्टर में वो आप समझिए डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ तो वो पूरी तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग रीजन चेंज हो जाएगा, तो VC IC भी चेंज हो जाएगा। वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे अभी आगे वाले लेक्चर में, जैसे कि JEE की क्लास में। तो अभी आपको मतलब कि टू द पॉइंट हम बता रहे हैं, उसके पीछे का रीजन अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन तब पर भी थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको मतलब कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी तो ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में काम कर रहा था, इसकी वजह से इफिशियंसी जो होती है उसकी डाउन हो जाती थी, साइज भी जो लेता था ये ज्यादा लेता था, और स्पेस भी जो कवर करता था वो आपका ज्यादा करता था, और इसीलिए जो है हम लोग मूव किए किस पे, हम लोग मूव किए आपका ये आपका SMPS पे, ठीक। अब देखिए SMPS के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपका, यहाँ से जो है हम कन्वर्जन कर दिए हैं कि यहाँ से क्या होता था। एक चीज और भी इसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें जो रिपल आता था, रिपल आउटपुट जो होता था ज्यादा आता था। रिपल आउटपुट का मतलब ये होता है कि रिपल इसमें क्या था ज्यादा था, रिपल का मतलब ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज में आपका जो है जो AC कंपोनेंट है, चूंकि हमको चाहिए DC कंपोनेंट, ठीक, ये सारा चीज हम रेगुलेटेड DC कंपोनेंट के लिए करते हैं, तो हमारा जो रिपल फैक्टर होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना हमको क्या मिलेगा कि मतलब कि स्मूथ DC वोल्टेज मिलेगा, यानी कि आपको जो है उसमें कोई भी AC का कंपोनेंट ना हो। रिपल फैक्टर आप लोग रेक्टिफायर में भी देखे होंगे कि उसका जो रेक्टिफायर का होता है 1.11 फुल वेव का होता है, 1.57 जो होता है आपका हाफ वेव का होता है, तो हाफ वेव में आपका रिपल फैक्टर ज्यादा होता है, यानी कि उस बार रिपल फैक्टर ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उसमें AC कंपोनेंट जो है DC आउटपुट में AC कंपोनेंट ज्यादा है। तो इस वाले में जो था रिपल फैक्टर ज्यादा था, इसके मतलब कि ये था कि जो इसका आउटपुट आ रहा था उसमें रिपल फैक्टर मतलब कि DC का AC कंपोनेंट उसमें ज्यादा था, तो इस तरह से रिपल फैक्टर भी इसमें क्या था ज्यादा था। तो इसलिए जो है हम लोग मूव किए किस पे आपका लीनियर पावर सप्लाई में, और ये इसमें थोड़ा सा हीट डिसिपेशन का भी प्रॉब्लम आता था वही आपका लीनियर रीजन में होने की वजह से। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि SMPS में क्या होता था। तो देखिए SMPS में यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं SMPS का, तो यहाँ इसको सही से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये जो दिया गया है ये आपको क्या दिया गया है, ये AC सिग्नल दिया गया है। AC सिग्नल कुछ जो है आपका इस टाइप से होता है, AC सिग्नल आप सब लोग जानते हैं साइनोसोइडल सिग्नल। ये AC सिग्नल जो है आप रेक्टिफायर के थ्रू जब पास कराइएगा, रेक्टिफायर सर्किट को दीजिएगा एज ए इनपुट, तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा कि आपको मालूम है कि AC सिग्नल को पल्सुएटिंग DC सिग्नल में चेंज करता है। तो देखिए पल्सुएटिंग DC सिग्नल जो होता है कुछ आपका मतलब उसमें क्या होता है कि रेगुलर तो आपको आउटपुट नहीं पड़ वो होता है, कुछ इस टाइप से उसका पल्सुएटिंग DC टाइप का होता है उसमें, यानी कि आपको रेगुलर DC वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ DC का AC का कंपोनेंट रहता है। अब ये जो आपका देख रहे हैं ये आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, ये यहाँ पे स्विचिंग देख रहे हैं यहाँ पे स्विचिंग में, तो ये क्या किया जाता है कि यहाँ पे ये जो होता है आपका इसको बोलते हैं स्विचिंग या कंट्रोल स्विचिंग, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे कंट्रोल स्विचिंग बोलते हैं। और ये कंट्रोल स्विचिंग क्या करता है, ये जो ट्रांजिस्टर है एज यूज एज अ कंट्रोल स्विचिंग, यानी कि जो प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है ये ट्रांजिस्टर के थ्रू होता है। और ये जो होता है देखिए इसका बेस आप लोग देख रहे हैं, ये बेस कनेक्टेड रहता है किससे, ये कनेक्टेड रहता है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर से। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर जो होता है
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएम होता है, पीडब्ल्यूएम होता है, पीपीएम होता है, तो ये एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, एक टेक्निक होती है। तो हम लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूएम जनरेटर लगाते हैं। आप यहाँ पे ये समझिए कि जनरेटर कौन सा यूज होता है, पीडब्ल्यूएम जनरेटर यूज होता है। ये जो होता है बेस पे है, हम लोग जानते हैं कि बेस यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है। तो बेस पे जब हम इनपुट देते हैं, तो जब ये जो है आपका दो मोड में काम करता है, ये जो सर्किट ऑपरेट होती है, जो आपकी यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है दो मोड में। एक तो होता है आपका ये सेचुरेशन मोड में, ये जो काम करता है आपका सेचुरेशन मोड में काम करता है। और सेचुरेशन मोड क्या होता है हम पहले आपको बता चुके हैं। और एक जो होता है कट ऑफ रीजन में काम करता है, एक जो होता है आपका कट ऑफ रीजन में काम करता है ये मोड में। देखिए सेचुरेशन मोड में जब काम करता है उस समय क्या होता है कि ये ऑन की तरह काम करता है। सेचुरेशन मोड में हमको बताए हुए हैं तो ये ऑन की तरह काम करता है और कट ऑफ रीजन में ऑफ की तरह काम करता है। तो जब आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर के थ्रू आप जब पल्स इसको इसके इनपुट पर प्रोवाइड कीजिएगा, यानी कि बेस पे, तो इस वाले मोड के लिए, जैसे ये वाला पल्स आपने दिया, तो उसके लिए क्या होगा, ये आपका सेचुरेशन मोड में चला जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। और ऑन हो जाएगा तो यहाँ से जो भी आप सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है, आप जो इसके थ्रू जब पास कराइएगा, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा। ये जो है आउटपुट जो है इसमें कुछ चेंज होते हुए, मतलब कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट आ जाएगा। और देखिए इसमें भी कुछ डीसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट रहेगा, कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं रहेगा, इसमें भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा उसका क्या होगा कि डीसी कंपोनेंट जो है हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से कंपनसेट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे फिल्टर है, आप लोग फिल्टर को अच्छी तरह से जानते हैं। फिल्टर का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि फिल्टर का बेसिक काम ये होता है कि वो अनवांटेड रेंज ऑफ सिग्नल को आपको पास करता है और अनवांटेड रेंज ऑफ सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली फिल्टर वो ही काम करता है। तो यहाँ पे भी फिल्टर का रेंज जो होता है एप्लीकेशन के अनुसार, जो है कितना हमको आउटपुट चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट चाहिए, उसके अनुसार हम लोग फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं। और फिल्टर अनुसार क्या होता है कि ये जो हम यहाँ पे लगाएंगे तो एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। ये क्या काम करेगा, आपका जो एसी कंपोनेंट जो भी इनपुट में होगा उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक्ड कर देगा। यानी कि जो यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा वो केवल जो है आपका डीसी आउटपुट आएगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका डीसी आउटपुट, ये कांस्टेंट आउटपुट आएगा। तो इस तरह से देखिए आप एसी सिग्नल से पल्सुएटिंग डीसी में गए, पल्सुएटिंग डीसी से फिर इसके बाद आपका कन्वर्ट किए इसके स्विचिंग के थ्रू, जब आप ऑपरेशन ये पल्स अप्लाई किए और फिर इसमें भी कुछ एसी कंपोनेंट था, तो इसको जो है फिल्टर के थ्रू एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिए और जो हमको आउटपुट चाहिए था उसके अनुसार हम फिल्टर डिजाइन करके रखे, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, डीसी रेगुलेटेड आउटपुट मिला। तो ये पूरा इनपुट से आउटपुट का ये एसएमपीएस का वर्किंग होता है। इसमें ये वर्किंग हो गया आपका। लीनियर पावर सप्लाई के जो कंपेरिजन थे वो हम लोग ने देख लिया। इसमें जो बेसिक वर्क होता है, देखिए यदि आप यहाँ पे ये पल्स अप्लाई कीजिएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो जैसे ही बेस होगा तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ के केस में क्या होगा कि कोई जो है सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा, ये एज ए स्विच काम कर रहा है। ऑन होगा तभी तो भाई सिग्नल का ट्रांसफर होगा, जब ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा तो ये ओपन रहेगा, तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑन, ये मेन आपको याद ये रखना है कि ये किस मोड में काम करता है। तो जैसे कि वहां पे जो था वो लिनियर मोड में काम करता था, तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजिस्टर जो कंट्रोल स्विचिंग है ये काम कर रहा है आपका सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब देखिए, अब बेसिक ऑपरेशन आपको बता ही दिए और यहाँ से कैसे होता है ये भी चीज आपको बता दिए हम, ठीक। और ये जो पीडब्ल्यूएम जनरेटर है इसके बारे में हम लोग आगे जो है जेई की क्लास में देखेंगे। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी वो आपको याद रखना है। तो क्यों यहाँ पे हम मूव किए थे, क्योंकि देखिए इसकी जो इफिशियंसी होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इफिशियंसी इसकी क्या होती है, आपकी हाई होती है। लगभग ये है आपका 80% to 90% इसकी इफिशियंसी होती है। दूसरी बात इसमें है कि इसमें जो होता है हीटिंग जो होती है वो कम होता है। हीट फिनोमेना जो होता है आपका क्या होता है, वो इसमें कम होता है हीट फिनोमेना। इसके बाद होता है कि ये आपका जो यूज किया जाता है, देखिए इस वाले में आपका जो है फेराइट मटेरियल यूज किया जाता है,
ये आप याद रखिएगा कि जो आपका कोर बना होता है वो आपका किसका बना होता है, वो फेराइट मटेरियल का बना होता है कोर। ये सारा चीज आपको याद रखना है कि ये जो बना होता है इसका कोर जो बना होता है वो फेराइट कोर होता है फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो कि यूज किया जाता है। तो आपको ये इतना याद रखना है कि जो कोर इसका बना रहता है वो किसका बनता है, वो फेराइट मटेरियल का बना होता है। और इस वाले में देखिए एप्लीकेशन आप लोग को याद रखना है कि एप्लीकेशन इसका क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं आप लोग, ये देखिए एप्लीकेशन क्या है इसके। तो देखिए एप्लीकेशन जैसे कि मदरबोर्ड पे आपका कंप्यूटर में ये लगा रहता है, यदि आप खोल कर देखेंगे तो आपको एक छोटी आईसी दिखाई देगी, और वो आईसी के अंदर का जो सर्किट थे ये यहाँ पे हम आपको दिखाए हुए हैं। और भी सारे सर्किट आपको मिलेंगे लेकिन बेसिक जो काम होता है सबका सेम होता है। तो मदरबोर्ड पे क्या होगा, ये आपका मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर पे होगा आपका लगा हुआ, आप लोग अपने मदरबोर्ड खोल कर देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका इसका और, तो देखिए आपका बैटरी चार्जर, जो आपका बैटरी चार्जर होता है तो आप देखते हैं कि एसी सिग्नल होता है, एसी सिग्नल से डायरेक्ट थोड़ी आपका जो मोबाइल होता है वो चार्ज होता है। तो उस वाले में क्या होता है, सर्किट यही एसएमपीएस लगी रहती है जो कि कंट्रोल्ड आउटपुट यानी कि रेगुलेटेड आउटपुट डीसी वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आपका जो है सिस्टम जो है डैमेज होने से बचे। तो ये आपका बैटरी चार्जर में लगा रहता है। इसी तरह आपका मोबाइल फोन का जो मोबाइल फोन चार्जर होता है उसमें भी लगा रहता है, या लैपटॉप चार्जर, मतलब कि बैटरी चार्जर किसी का भी हो, आपका फोन का हो चाहे आपका लैपटॉप का हो, तो ये सारे में लगा रहता है। चार्जिंग बैटरी में, मतलब चार्जिंग बैटरी जितने भी होती है सारे में जो होता है आपका एसएमपीएस लगा रहता है। बेसिक इसका वर्क वही होता है भैया, डीसी रेगुलेटेड पावर जो है आपको ये जनरेट करके देता है, और किस तरह से देता है वो हम आपको देख लिए। तो आप लोग से बस इसमें जो है ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाएगा, आप वर्किंग यदि समझे हुए हैं तो इससे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बिट आएंगे आप इजिली बना लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों तो देखिए कुछ टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि बेसिक है लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक बार यदि आप जाने रहेंगे तो आप जो है इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। आप डेली यूज में लाते हैं यूपीएस है जो है आपके पास, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि बिना इंटरप्ट किए हुए आपको ये पावर सप्लाई देता है। जैसे ही आपका लाइन जो है स्विच ऑन, मतलब ऑफ हो जाता है यानी कि लाइन चला जाता है, ऐसी सप्लाई बंद हो जाती है, तो ये आपको मतलब कि बहुत फास्ट जो है आपको सप्लाई प्रोवाइड करने लगता है। तो आपका जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, इंटरप्ट नहीं होता है, वो आपका रेगुलर जो है मैनर में चलता रहता है, आपको पता नहीं भी चलेगा कि हमारा जो है लाइन कट चुका है। तो इस वाले में जो होता है इसका इसीलिए नाम पड़ा है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखिए एक जो होता है इन्वर्टर होता है, कुछ लोग इन्वर्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे लाने का मेन मकसद था। देखिए ये जो होता है इसका जो बैकअप टाइम होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आपका इन्वर्टर। ठीक, और ये जो होता है आपका क्या देता है कि इंस्टेंटली बैकअप प्लान, मतलब बैकअप आपको पावर सप्लाई का देता है। जैसे ही आपका कटता है पावर, आपका लाइन जो है कटअप होता है, तो ये तुरंत ही आपको क्या करता है, आपका बैकअप तुरंत प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि जो आपको बैकअप मिलता है उसका टाइम इंटरवल जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए ये जो करता क्या है कि इसके अंदर जो होती है जो सर्किट यूज होती है वो क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। पहले बैटरी स्टोर करता है, जो भी उसमें एसी सिग्नल है एसी सिग्नल से वो डीसी वोल्टेज जनरेट करता है बैटरी के थ्रू, और डीसी फिर जब जैसे ही आपका पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो वो डीसी सिग्नल जो स्टोर हुई रहती है वो आपको एसी सिग्नल अप्लायंसेस, जैसे आपका फैन चला लेते हैं आप, या टीवी देखते हैं, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताएं कि इसका जो बैकअप ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। देखिए जैसे कि बैकअप ड्यूरेशन की बात किया जाए तो आपका जो मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो यूपीएस यूज कर रहे हैं तो वो मतलब कि कितने वोल्टेज एम्पियर का है, ठीक उसके अनुसार होता है। जैसे कि एक हम आपको एक जैसे कि आपका जो है, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि यदि मान लेते हैं आपको कि 500 वोल्ट एम्पियर, या फिर आप 650 वाला यदि यूज कर रहे हैं, आपके पास यदि है आपका यूपीएस, तो इसका जो बैकअप टाइम होता है ये जो आपको मतलब पावर सप्लाई देगा तो वो 10 से 20 मिनट का ये है आपको देता है। कितने का, 10 से
20 मिनट का ही जो है आपको बैकअप देगा। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं एक बार पूछा हुआ है, ठीक, डीआरडीओ में शायद ये पूछा हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो पावर सप्लाई होता है, जो आपका 500 वोल्ट में वोल्ट एम्पियर और आपका 650 वोल्ट एम्पियर वाला, यदि वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का यूपीएस पावर वाला है, कितने पावर सप्लाई आपको दे सकता है। तो देखिए, यदि 500 वोल्ट एम्पियर का यदि पावर सप्लायर है आपके पास यूपीएससी, तो वो आपको 10 से 20 मिनट तक जो है आपको पावर बैकअप देगा। और इस वाले में क्या होता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको देता है। इसका जो होता है बहुत 1 घंटा 2 घंटा बैटरी के मतलब कि कैपेसिटी के अनुसार होता है, तो वो उतना आपको बैकअप प्रोवाइड कराता है। और देखिए, इसमें जो है स्विचिंग होती है, जैसे ही आपका लाइन कटता है तो ये बहुत फास्ट जो है आपका बैकअप प्रोवाइड करता है। इसका जो स्विचिंग टाइम होती है 3 to 8 मिली सेकेंड होती है। लेकिन जबकि इसका जो देखिएगा स्विचिंग मतलब जो पावर सप्लाई का होता है वो 500 मिली सेकेंड होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना गुना का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर होता है। तो ये जो होता है फास्ट आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो होता है ये टाइम लेता है पावर सप्लाई। जैसे ही एसी कट होती है तो आपको डायरेक्ट जो है ये कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन आप यूपीएससी का देखेंगे आपको मालूम भी नहीं चल पाता होगा कि अब हमारी पावर सप्लाई कट हो गई। तो ये सारा बेसिक था, और ये जो था एक एप्लीकेशन पूछा गया था, तो आप ये याद रखें। और सारा रेंज में आता है जो यूपीएस आता है, तो उसके अनुसार जो है हर एक का जितना पावर सप्लाई वोल्टेज का रहेगा उसके अनुसार वो जो है बैकअप आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिक डिफरेंस था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो आपका सेशन है यहीं पे स्टॉप होता है। हाँ, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर मतलब ये टॉपिक बना दीजिए, वो टॉपिक भी बना दीजिए। देखिए, वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, वीडियो तो हम बना देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका जो है अभी जो टाइम चल रहा है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और हम जो आपको वीडियो पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं तो वो हमको मालूम है, या फिर आप कहीं से टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको भी मालूम चलता होगा, यदि कहीं जेन्युइन से टेस्ट दे रहे होंगे तो, कि जो आपको हम करवा दिए हैं जो जो सब्जेक्ट, उस वाले सब्जेक्ट को यदि आप कवर करते हैं तो मेरी बात मानिए कि आप 35% तो बहुत आराम से लाइएगा। 35% में कोई जो है आपको शक नहीं होना चाहिए, आप आराम से इससे ज्यादा ही लाइएगा। तो जितना पढ़ा दिया गया है, जितना आपको मतलब हम दे दिए हैं, उतना का रिवीजन कीजिए, और आपके पास जो भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को लगाइए और कंसेप्ट समझते हुए लगाइए, ताकि देखिए क्वेश्चन रिपीट ना भी करेगा तो कंसेप्ट आपके पास रहेगा, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं इजिली। और आप लोग जो है बार बार मतलब टॉपिक के लिए बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं आप लोग से यही बात कि आप लोग जितना भी अभी पढ़ लिया है ना उतना आप लोग रिविजन कीजिए, बाकी हम आगे भी बनाते रहें। लेकिन हम नहीं सोच रहे कि आप लोग को ज्यादा अब मतलब कि लोड दिया जाए, और मतलब कि इस पेपर में, क्योंकि देखिए अभी जो आपका बचा हुआ है वो मात्र 20 से 25 मान लीजिए बचा हुआ है, और इसके लिए जो है आपके ऊपर लोड यदि ज्यादा लीजिएगा, प्रेशर ज्यादा लीजिएगा, तो आप 80% गंवा दीजिएगा। और बात रही इसमें से कि क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं इससे लेस क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वाले जो है आपके कवर कर लिए गए हैं। अब ये रहता है कि इससे मेरिट बनेगी तो भाई ये पढ़ना जरूरी रहता, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई मेरिट बनने वाले, लेकिन मेरिट तो इससे बनने वाला नहीं है, बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भाई जितना डिजिटल है ना आपका, डिजिटल सिस्टम हो गया, इसके बाद कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर हो गया, और जो इधर से टॉपिक जो हम एनालॉग का जो कवर किए हुए हैं, भाई ये मोर देन एनफ है, आप इसको तो तैयार कीजिए। इसके चक्कर में आप 25% के चक्कर में आप क्यों मतलब माथा अपना खराब कर रहे हैं, वो अपने प्रेशर लीजिएगा तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो आपकी जो है पेपर खराब हो जाएगी। अब जितना आप पढ़ लिए हैं उसको जितना हो सके आप टेस्ट दीजिए, और जहां से भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको लगाइए। यदि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपका उसका रिप्लाई भी कर देंगे। लेकिन अभी जो टाइम है आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उसको अच्छी तरह से रिविजन कीजिए, और टेस्ट सीरीज जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपके पास, ठीक। और बाकी जो है हम लोग जब जेई की क्लास चलेगी तो उसमें जो है हम पूरे रेगुलर आपके साथ रहेंगे, और एक जो आपके और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो 2-वे कम्युनिकेशन होगा। उसके लिए भी हम कुछ अपने आप से वो किए हुए हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत भी यदि दिक्कत हो तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए,
तो उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एएलपी में सारे लोग बिजी हैं, और हम भी आपके लिए जो है एएलपी के साथ साथ जेई के लिए अभी से मतलब कि हम जो है तैयारी चालू कर दिए हैं। लेकिन वीडियो तो बन चुका है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी चल रहा है एएलपी का। तो इस तरह से आप निफिक्र रहिए, यहाँ पे जेई की क्लास के लिए ये जो है पूरे मतलब कि विधि विधान के साथ रेगुलर चलने वाली है आपकी जेई क्लास। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहूँगा, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफिशिएंसी दीजिए, टाइम यूटिलाइज कीजिए, और किसी भी टाइप का यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हमको टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब सीरीज का फ़ायदा उठा सकें, और आगे की जेई वाली सीरीज के लिए भी मतलब कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें में भी ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।